नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतिक। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर और केंद्र सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। दिन ब दिन नीतीश सरकार के खिलाफ तेजस्वी यादव निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि आगामी 30 जनवरी जो कि शहादत दिवस है, उस दिन मानव श्रृंखला बनाने का भी उन्होंने ट्वीट के जरिए यह ऐलान कर दिया है। ट्विटर अकाउंट, अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह ट्वीट किया है कि आगामी 30 जनवरी जो कि शहादत दिवस है, उस दिन महागठबंधन जो है वो बिहार में मानव श्रृंखला बनाने का उन्होंने ऐलान किया है और मानव श्रृंखला बनाकर वो केंद्र सरकार और नीतीश सरकार पर हमलावर होने वाले हैं। उनका मुद्दा है कृषि कानूनों का विरोध और साथ ही साथ बेरोजगारी। आपको बता दें कि ट्वीट करके तेजस्वी यादव ने बकायदा यह ऐलान किया है कि 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाकर वो नीतीश सरकार और केंद्र सरकार पर हमला बोलेंगे। आपको बताएं कि ट्वीट के जरिए उन्होंने लिखा है कि गरीबी के दुष्चक्र में फंसा किसान, बेरोजगारी से हताश नौजवान, छात्र, शिक्षक, अभ्यर्थी सब एक हो जाएं, किसान विरोधी काले कानूनों के विरुद्ध मानव श्रृंखला को सफल बनाएं। 30 जनवरी शहीद दिवस पर दोपहर 12 बजे मानव श्रृंखला के द्वारा किसानों के पक्ष में अपनी एकजुटता का एहसास कराएं। तो आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा है कि 30 जनवरी को मानव श्रृंखला वो बना रहे हैं जिसमें महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता नेता मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ वे इस बात की अपील भी कर रहे हैं कि कृषि बिल, जो नया कृषि बिल है, नए कृषि बिल के विरोध में वो विरोध प्रदर्शन करेंगे, मानव श्रृंखला बनाएंगे और नीतीश सरकार और केंद्र सरकार पर वे हमलावर होंगे। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।